शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति शांति क्रोध शांति शांति ब्रह्म शांति शांति सर्व शांति शांति शांतिरेव शांति शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 चोरी करने के लिए आया था। यहां आओ बेटे। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? विष्णुगुप्त। कहां जाना है? तक्षशिला। पढ़ने जा रहे हो? हाँ। पाटलिपुत्र में तुम्हारा कौन है? आओ मेरे साथ भूदेव। Thank you.
तुम्हारी शिक्षा अभी से प्रारंभ होती है विष्णु। सोना 5 प्रकार का होता है, उसके रंग भी 5 होते हैं। पहला प्रकार मेरु पर्वत से निकलने वाली नदी से उत्पन्न जामुनी रंग के समान जामुनर। दूसरा प्रकार शतकुंभ पर्वत से उत्पन्न मकरज के समान शातकुंभ। तीसरा प्रकार सोने की खान से उत्पन्न हारक। चौथा प्रकार वेणु पर्वत से उत्पन्न वैणव। और पांचवा शिंगु सुप्तिक्ष। गुरुकुल का मार्ग किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। प्रणाम धनुश्रेष्ठी। शुल्काध्यक्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार तक्षशिला आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ, इस बार मथुरा में मैं कुछ ज्यादा समय रुक गया। तुम बहुत याद आओगे विष्णु। ए ब्राह्मण, कौन है तू? विष्णु। कहां से आए हो? पाटलिपुत्र से। ये आप क्या कर रहे हैं भूदेव? जो ज्ञान देता है और मार्ग दिखाता है वह गुरु होता है धनश्रेष्ठी, और गुरु पिता के समान होता है। विष्णु, धनश्रेष्ठी को सारे उत्तरापथ में सभी जानते हैं। जिस दिन आवश्यकता हो धनश्रेष्ठी को पुकार लेना, वो जहां भी होगा तुम तक अवश्य पहुंच जाएगा। जाओ देव, जाओ। छात्र, कुलपति का कक्ष ढूंढ रहे हो? हाँ। आओ मेरे साथ। विश्वमाभासिरोचनम् प्रत्यं देवानां विशप्रत्यं आचार्य। प्रणाम। क्या नाम है तुम्हारा? विष्णुगुप्त।
कहाँ से आ रहे हो? पाटलिपुत्र से आचार्य। पाटलिपुत्र में तुम्हारे आचार्य कौन थे? मेरे पिता आचार्य चणक और आचार्य अभिनव गुप्त। अपने पिता और अपने आचार्य से किस विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे? दंड नीति व अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त, राजनीति को राजनीति ही क्यों कहते हैं? आचार्य, अनुचित मार्ग से उचित मार्ग पर ले जाने की क्रिया ही परमार्थ नीति है। इसीलिए कहा गया है, नयनाथ नीति रुच्यते। व्यक्ति को अनुचित मार्ग से उचित मार्ग पर लाना यह राजा का कर्तव्य है। अतः इस नीति का कर्ता राजा होने के कारण ही इसे राजनीति कहते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में अर्थशास्त्र के विद्वानों का क्या मत है विष्णुगुप्त? मनु के अनुयायियों के अनुसार मंत्री परिषद में 12 अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बृहस्पति के अनुयायी 16 मंत्रियों के पक्ष में है। शुक्राचार्य के अनुसार मंत्री परिषद में 20 अमात्यों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए। पर मेरे मतानुसार कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या निश्चित की जानी चाहिए। क्या अपना मत प्रकट कर तुम प्राचीन आचार्य के मतों का खंडन करना चाहते हो? नहीं आचार्य, पर दूसरों के मतों का भी उचित सम्मान करना हमारी परंपरा है। मैं तुम्हारे मत से सहमत हूँ विष्णुगुप्त। आज से तुम गुरुकुल के छात्र हुए। आचार्य भारद्वाज का मत है कि राजा अपना सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है और वह उनकी कार्यक्षमता से भी परिचित होता है, और ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। पर आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि साथ पढ़ने वालों को अमात्य बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक साथ खेलने उठने बैठने के कारण साथ में पढ़ने वाले मित्र अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए गुप्त कार्यों में जो राजा का साथ देते रहे हो उन्हीं को अमात्य बनाना चाहिए। गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से ऐसे लोग राजा का अपमान नहीं करते। पर आचार्य पाराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की युक्तियां दोषपूर्ण है, क्योंकि भेद खुल जाने की बात तो राजा व अमात्य दोनों पर एक समान लागू पड़ती है। ऐसा करने से यह भी तो संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्य के हाथ की कठपुतली बन जाए। राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है उतना ही वह उन लोगों के वश में हो जाता है। इसलिए जो पुरुष राजा की प्राण घातक आपत्तियों से रक्षा करे उसको राजा अमात्य नियुक्त करे। पर आचार्य बाहुदंती पुत्र के मत से यह भी ठीक नहीं। उनके अनुसार नीति शास्त्र पारंगत पर क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राज कार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वास पात्र, वीर और राजभक्त हो उन्हें अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। पर आचार्य पिशुनक जिसको भक्ति कहते हैं, उनका कहना है कि प्राणों की चिंता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवा धर्म है और बुद्धि का प्रमाण नहीं जो अमात्य का सर्वोच्च गुण है। और इसलिए आचार्य पिशुना के अनुसार अमात्य पद पर उसी को नियुक्त करना चाहिए जो विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दे। पर आचार्य कौणब दंत उक्त मत को नहीं मानते। उनके अनुसार अमात्य पद जिनको वंश परंपरा से उपलब्ध रहा हो उन्हीं को अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। वे संपूर्ण रीति नीति से सुपरिचित होते हैं। ऐसे अमात्य अपनी हानि होने पर भी परंपरागत संबंधों के कारण राजा को नहीं छोड़ते। परंतु आचार्य वातव्याधि आचार्य कौणब दंत के मत से सहमत नहीं है। उनका मत है कि वंश परंपरा से बने अमात्य राजा का सर्वस्व अपने अधीन कर राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। इसीलिए
नीति कुशल राजा को नए अमात्य की नियुक्ति करनी चाहिए, जो दंडधारी राजा को यम का अवतार समझ कभी उसकी अवहेलना न करे। आपने अमात्य नियुक्ति के संबंध में प्राचीन आचार्यों के मत सुने। अब हम हमारे गुरुकुल के भावी आचार्य विष्णुगुप्त का मत सुनना चाहेंगे। मेरे मतानुसार आचार्य भारद्वाज से लेकर आचार्य बृहस्पति तक की विचार परंपरा अपने अपने स्थान पर ठीक है। किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्य की सफलता पर निर्भर है। उसकी कार्य क्षमता विद्या बुद्धि के बल पर ही आंकी जा सकती है। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह अपने साथ पढ़ने वाले मित्रों की भी सर्वथा अवहेलना न करे, किंतु राजा को चाहिए कि वह विद्या बुद्धि गुण दोष साहस देशकाल और पात्र का विचार कर ही अमात्य की नियुक्ति करे। आठ वर्ष पूर्व आप सब एक छात्र के रूप में यहां आए थे और आज आठ वर्ष पश्चात तक्षशिला गुरुकुल के स्नातक होकर आज अपने अपने घर जा रहे हैं। पर गुरुकुल के एक स्नातक को गुरुकुल आज घर जाने की आज्ञा नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं कि ज्ञान में वह अभी अधूरा है, पर इसलिए कि राजनीति शास्त्र के उस अनूठे शिल्पी के हाथों कुछ और शिल्प गढ़ते गुरुकुल देखना चाहता है। मेरे जीवन में एक लंबे अंतराल के बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुकुल में आया यह छात्र देश के लिए नया इतिहास कर सकता है। मुझे आज भी याद है, आठ वर्ष पूर्व एक निर्धन असहाय निराश छात्र मेरे पास आया था और उसे देखते ही मुझे लगा कि तक्षशिला के गुरुकुल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। और मेरा विश्वास आज और दृढ़ हुआ जब गुरुकुल के समस्त आचार्यों ने आज ही बने एक स्नातक को राजनीति शास्त्र के आचार्य पद हेतु चुना। आज आप सब जब अपने अपने घर जा रहे हैं, उसे भी अपना घर याद आ रहा होगा, उसे भी अपना गांव बुला रहा होगा। वे स्मृतियां, वे गलियां, वे साथी जो आठ वर्ष पूर्व वो बहुत पीछे छोड़ आया था, सब उसे बुला रहे होंगे। किंतु उस घर, उस गांव, उस नगर से तक्षशिला का गुरुकुल आज उसे मांग रहा है। कल तक जो तुम्हारा विष्णुगुप्त था, आज वो हमारा आचार्य विष्णुगुप्त है। मैं विष्णुगुप्त से प्रार्थना करता हूं, यदि उन्हें आपत्ति न हो तो यहां आकर आचार्य पद ग्रहण करें।
तुम्हें किसी ने आते तो नहीं देखा? नहीं तो क्या सूचना है? के प्रदेश से महाराज पर्वतेश्वर का राजदूत चंड वर्मा आज तक्षशिला आ रहा है। और केके का गुड़ पुरुष मृत्युंजय? चंड वर्मा के केके वापस जाने के बाद ही वह तक्षशिला में प्रवेश करेगा। तुम्हें क्या लगता है, तक्षशिला पर केके का आक्रमण होगा? हम गुप्तचर हैं अष्टावक्र, हमारा काम आज्ञा का पालन करना है, निर्णय करना नहीं। युवराज आम्भी और सेनापति पर तुम ध्यान रख रहे हो ना? दोनों इस समय देवी शुभदा के यहाँ विश्राम कर रहे हैं। चक्रवाक, देवी शुभदा के कुशल क्षेम का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे कंधों पर है। निश्चिंत रहो, तुम देवी शुभदा के निवास के आसपास घूमते रहना, पर सतर्क रहना। अब तुम जाओ। ठीक है। उठिए युवराज, उठिए आम्बी। मैं आप ही से कह रही हूँ युवराज, जल्दी उठिए, वरना देर में मार्गों पर नागरिक दिखाई देने लगेंगे। शुभदे, तुम्हारे संग प्रहर भी पल लगते हैं, बस थोड़ी देर और। छोड़िए वरना। चुप कर वाचाल, वरना सारी नगरी जान जाएगी। अब जाइए भी। मारे विधाता, तक्षशिला के युवराज को भी नागरिकों से बचकर आना पड़ता है और छुप कर जाना पड़ता है। युवराज हूं, चरित्र की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। पुनः कब मिलोगी शक्ति? जब सारी तक्षशिला नगरी आपके और मेरे बारे में जान जाएगी तब। आज तुम नहीं, आज रात तुम्हारे और युवराज आम्भी के कारण जाग कर काटी। युवराज आम्भी आपके स्वामी हैं, स्वामी के लिए थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही चाहिए सेनापति सिंहरण। तुम्हारे लिए मैं आम्भी से भी लड़ सकता हूँ, पर विरह की व्यथा नहीं सह सकता। अच्छा, तो आम्भी को देख डर कर छुप क्यों गए थे? दास होना, न जाने क्यों उसे देख कर कुछ घबरा सा जाता हूँ। आज तो तुम बाल बाल बच गए, वरना तुम और आम्भी टकरा ही गए होते। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करती? निर्णय तो तुम्हें करना था सेनापति। जब से तक्षशिला आई हूँ, मन तो तुम्ही को दिया था, पर तुम निर्णय न कर सके। शुभदेव, राज सेवकों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आम्भी के सेवक आप हैं, मैं नहीं। मुझे उससे मुक्ति चाहिए। शीघ्र मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अब मैं चलूं शुभदेव। प्रतिपल तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ सेनापति। वापस कब आओगे? जब चाहो, सेवक भेज कर बुला लेना। चलता
सूचना है चक्रवाक? हमारी परीक्षा का समय आ गया है। केके से कुछ दिनों में सार्थ आ रहा है। सेनापति को अपने मुट्ठी में रखना, मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। सब योजना के अनुसार हो रहा है, पर सतर्क रहना। ठीक है। संभालेगा कुमार? चिंता मत करो, आंधी कुमार अपने प्रतिस्पर्धियों को नियंत्रित करना जानता है। क्या बात है श्रीदत्त? बात महत्वपूर्ण है कुमार। कोई आपत्तिजनक सूचना तो नहीं लाए हो? कुमार, कैके का राजदूत तक्षशिलाधीश महाराज अंबिराज से मिलने आया है। क्या पिताजी को इसकी सूचना दी जा चुकी है? नहीं। तो उसे मेरे सामने लाया जाए। प्रणाम तक्षिलाधीश, केकय महाराज का दूत चंड वर्मा आपको प्रणाम करता है। केकय के राजदूत का तक्षशिलाधीश स्वागत करते हैं चंड वर्मा। आओ राजदूत, आसन ग्रहण करो। संकोच मत करो चंड वर्मा, केकय के राजदूत को हम अपना मित्र समझते हैं। आसन ग्रहण करो राजदूत। मैं अपने दूत कर्म का निर्वाह करने तक्षशिला आया हूं, आसन ग्रहण करने नहीं। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? मैं कैकेय राज पौरव का संदेश ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हूं। पर मैं आपको संदेश देने में असमर्थ हूं। तो यहां किस लिए आए हो? मैं तक्षशिलाधीश आंभी राज को संदेश देने आया हूं, आंभी कुमार को नहीं। तो क्या एक दूत को भी आंभी कुमार की सत्ता का परिचय देना होगा? केकय तक्षशिला में मात्र आंभी राज की सत्ता को स्वीकार करता है, आंभी कुमार की नहीं। आंभी कुमार उसी सत्ता का उत्तराधिकारी है दूत। मैं आपसे उत्तराधिकारी की चर्चा करने नहीं आया हूँ। मैं तक्षशिला नरेश आंभी राज को कैके राज पौरव का संदेश देने आया हूँ। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप महाराज आंभी तक पहुँचने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तुम दुराग्रह कर रहे हो दूत। मेरे पास चीख चीख कर आंभी राज को पुकारने के अतिरिक्त अब कोई मार्ग नहीं रह गया कुमार। तुम जा सकते हो दूत। प्रतिहारी, कैकेय के दूत को आंभी राज तक पहुंचा दो। केकय राज का दूत चंड वर्मा आपको प्रणाम करता है तक्षशिलाधीश। अंबिराज तुम्हारा स्वागत करता है चंड वर्मा, कहो। देव, आपको केकय राज की ओर से नम्र प्रणाम कर केकय राज ने संदेश देने के लिए कहा था। महाराज पौरव ने निवेदन किया है कि गांधार भारत का सीमा प्रांत है और हमें गर्व है कि भारत के सीमा प्रांतों की रक्षा का भार आप जैसे सुयोग्य व्यक्तियों के हाथों में है। पर बार बार तक्षशिला के सैन्य बल द्वारा केकई की सीमाओं पर अकारण ही आक्रमण कर भय व अराजकता का वातावरण फैलाने का प्रयास अवांछनीय है। केकई सीमांत प्रदेशों में शांति चाहता है, अतः गांधार के अनेकों छोटे छोटे आक्रमणों के पश्चात भी केकई ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। तक्षशिला का सैन्य बल केकई के सीमांत प्रदेशों से केकई के नागरिकों का पशुधन बलपूर्वक उठा ले जाता है, केकई के सीमा पर स्थित आवासों को उध्वस्त कर देता है। गांधार की सीमाओं से विदेशी नागरिकों को अनधिकृत रूप से कैकेय में प्रविष्ट कराने का तक्षशिला द्वारा प्रयास किया जाता है। तक्षशिला की सत्ता उन्मुक्त रूप से कैकेय के सीमा प्रदेशों में अपराधियों को हथियार दे उन्हें कैकेय के शासन के विरुद्ध उकसाती है। इतना सब होने के पश्चात भी केकेय ने गांधार से सौजन्यपूर्ण व्यवहार बनाए रखा, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा प्रदेशों में शांति बनाए रखने के हमारे हर प्रयास को केकेय की कायरता समझा जा रहा है। तो केकेय हर आक्रमण का प्रत्युत्तर देने में समर्थ है। यदि भविष्य में केकेय के सीमाओं का
तक्षशिला द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया अथवा सीमांत प्रदेशों में तक्षशिला शासन द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया गया तो गांधार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केके राज पौरों से कहना कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं इन सारी घटनाओं से अनभिज्ञ हूं। शिथिल अवश्य हुआ पर असमर्थ नहीं। मैं केके राज की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता हूं, अतः उनसे कहना कि मैं शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रणाम कुमार। केकई का दूत आया था सेनापति। मुझे सूचना मिली देव। तो केकई को प्रत्युत्तर दे आओ सेनापति। केकई की सीमाओं पर शांति नहीं रहनी चाहिए। केकई प्रदेश की सीमाओं पर मैं हाहाकार सुनना चाहता हूं। सर देव, मंत्री सुषेण ने सीमा पर किसी भी प्रकार का उत्पात मचाने से मना किया है। तो क्या तक्षशिला के युवराज को मंत्री सुषेण की आज्ञा माननी पड़ेगी? आइए मंत्रीवर, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आपकी ओर से सूचना पाते ही मैं दौड़ा आया। सब कुशल तो है युवराज? मंत्रीवर, सेनापति सेहरन केकई की सीमाओं पर उत्पात मचाने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। पर किस आधार पर हम केकई की सीमा पर उत्पात करें? वितस्ता के जल के बंटवारे को लेकर। वितस्ता के जल को लेकर हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। पर हमें विवाद करना है। मैं केकई की सीमाओं पर शांति नहीं देख सकता मंत्रीवर। पर ये गलत होगा युवराज। तो सही कारणों को ढूंढिए मंत्रीवर। पर केकई की सीमाओं पर संघर्ष होना ही चाहिए। ये संभव नहीं है युवराज। क्या विवाद को जन्म दे पाना संभव नहीं है मंत्रीवर? केकई के सीमांत प्रदेशों में जहां हमारी भाषा बोली जाती है वह क्षेत्र हमारा है। जहां हमारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है वह क्षेत्र भी हमारा है। क्या तक्षशिला उस क्षेत्र पर अपना नैसर्गिक अधिकार छोड़ दे? जो भूमि केकई ने बल से हथियाई है वह भूमि हमारी है। मैं आपसे असहमत हूं युवराज। केकई के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है आपको मंत्रीवर? क्योंकि मैं तक्षशिला का अहित नहीं देख सकता। तो फिर मेरी आज्ञा का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि तक्षशिला के हित में ही आपका हित है युवराज। आप जा सकते हैं मंत्रीवर। युवराज, मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर। आप जा सकते हैं। सेनापति, केकई के सीमांत प्रदेशों के ग्रामों को ध्वस्त किया जाए व उनका पशुधन गांधार की सीमाओं में लाया जाए, और यदि केकई की सेना प्रत्युत्तर दे तो उस पर आक्रमण किया जाए। जो आज्ञा दे। आपने मुझे बुलाया पिताजी? यदि तुमने अपने कुल पर कलंक लगाने का निश्चय कर लिया हो तो पहले मेरी हत्या कर दो। पर्वतेश्वर का दूत शायद आपको उकसा गया है पिताजी। अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मत लगाओ कुमार। क्या यह सत्य नहीं है कि तुम्हारे संकेत पर तक्षशिला के सैन्य बल ने बार बार केकई प्रदेश की सीमाओं का अतिक्रमण किया? चोर लुटेरों के भांति तक्षशिला का सैन्य बल केकई का पशुधन उठा लाता है। क्या यह सच नहीं है कि असामाजिक तत्व और हथियार तक्षशिला की सीमाओं से केकई में प्रविष्ट कराए जाते हैं? यह सरासर आरोप है पिताजी। कुमार, मैं तुम्हें और मेरे मित्र पर्वतेश्वर दोनों को अच्छी तरह जानता हूं। राज्य के मैंने तुम्हारे हाथों दिए हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो।
तुम्हारे मन में क्या है जो तुम्हें केके के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाता है? पर्वतेश्वर चाहते तो दूत के साथ सैन्य बल भी भेज सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे सीमांत प्रदेशों के रक्षकों का सम्मान करते हैं। हम सीमांत प्रदेशों के रक्षक नहीं, स्वामी हैं पिताजी, और सीमांत प्रदेश के स्वामी अपने सम्मान की रक्षा करने में समर्थ हैं। पौरव में यदि साहस है तो वो तक्षशिला का अपमान करके तो देखे। कुमार, तू कैके से शत्रुता मत मोल ले। मैं आपकी तरह कायर नहीं हूं पिताजी कि शत्रु का दूत चुनौती दे जाए और मैं चुप बैठा रहूं। तो मुझसे युद्ध कर, तनिक भी लज्जा शेष हो तो अपने म्यान से तलवार निकाल। एक बूढ़ा क्षत्रिय तुझे चुनौती दे रहा है अंभी। अपने को संभालिए पिताजी, आप बूढ़े हो चले। कुमार, इसीलिए कहता हूं कुमार, दिखाओ अपना सामर्थ्य, अपने अपमान का प्रत्युत्तर दो, चलाओ तलवार। मैं अपने अपमान की अनुभूति नहीं हुई हो तो बताओ किस तरह मैं तुम्हारा अपमान कर लूं। मुझे जाने दीजिए पिताजी। का अब इस कक्ष से एक क्षण ही जाएगा, इस दुष्ट का अब एक पल भी जीना, अब इस कुल का अपमान। कुमार तुम जाओ। का हट जाओ मेरे रास्ते से, यदि ये जीवित रहा तो एक दिन तू भी पछताएगा। कुमार तुम जाओ। यदि आप नहीं रुके तो आज इस कक्ष से एक शव जरूर जाएगा पिताजी। तस्य समन्ततो मंडली भूता, तस्य समन्ततो मंडली भूता, तस्य समन्ततो मंडली भूता, भूम्यनन्तरा अरिप्रकृतिः, भूम्यनन्तरा अरिप्रकृतिः, भूम्यनन्तरा अरिप्रकृतिः, तथैव भूमेकान्तरा, तथैव भूमेकान्तरा, तथैव भूमेकान्तरा, मित्रप्रकृतिः, मित्रप्रकृतिः, मित्रप्रकृतिः। जो राजा आत्मसंपन्न, अमात्यादि द्रव्य प्रकृति संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला होता है उसे विजिगीषु कहते हैं। विजिगीषु राजा के चारों ओर के राजा अरि प्रकृति कहलाते हैं। अरि प्रकृति राजा की सीमाओं से लगे राजा मित्र प्रकृति कहलाते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त करता हूं। ओम। विजयगीषु राजा के चारों ओर के राजा अरि प्रकृति कहलाते हैं, अर्थात अभिसार व कैके गांधार के स्वाभाविक शत्रु हुए। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ